सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यार आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो एक बार यार मैं फटाफट क्लियर कर लूं क्या हम लाइव हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द सेशन। जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे देख रहे हैं एकदम फटाफट एकदम एनर्जेटिक मोड में आ जाओ यार, क्योंकि काफी हम लोग ना बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको ये चीजें देख के लग जाएंगे कि हाँ भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और करने लायक क्वेश्चन है। सो मेक श्योर एकदम तैयार हो जाओ अच्छे से, ठीक है। आई होप आप सभी लोग तैयार भी होंगे। हेलो यथार्थ, हेलो प्रियांशु, प्रोडजी नहीं दे रहे हो क्या यार तुम लोग, है ना, प्रोडजी नहीं दे रहे हो क्या? वो भी तो है, बोलो। कोड मेंटी मिल जाएगा, मेंटी कोड मिल जाएगा, आज मेंटी सेशन ये बेसिकली। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे दे रहा हूँ जो बच्चे नए हो, ठीक है। मैं अपना भी कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट इज बीटेक अभी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। 3+ ईयर्स लगभग पढ़ाते हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के सब कुछ, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ मैं, ठीक है। बाकी NTSC NSTSC या फिर JEE के बारे में किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए या फिर किसी भी तरीके की अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। जस्ट उसके लिए आप मेरे या तो दैट इज बिफोर दैट मैं उसको बात करूं, उससे पहले दैट इज बात बता दूं आपको, एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड, सॉरी, ठीक है। पर्सनल गाइड दैट इज अनअकैडमी। आप लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी हम लोगों को सभी लोगों को फ्री क्लासेस, मोस्टली हम लोग फ्री क्लासेस बहुत करते हैं अनअकैडमी की, बट कुछ इसके पेड फीचर्स भी हैं। लाइक अगर आप पेड फीचर से जुड़ना चाहते हो, अपनी पढ़ाई एकदम कंप्लीट एक जगह से लेके लास्ट जगह तक करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। इसके दो ऑप्शन है, प्लस के थ्रू या फिर आइकॉनिक के थ्रू। आइकॉनिक में एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है बेटा, दैट इज पर्सनल गाइडेंस। आप जिस भी टीचर के थ्रू आप कोड उसका यूज करके जो भी आप चीजें प्रिपेयर करोगे वहां पर जस्ट आपको क्या मिलेगा, उसकी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रही होगी, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही होगी। बाकी स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको दोनों में मिल रही होंगी, ठीक है। बाकी अब मैं बात करूं कि गाइडेंस भैया आपसे लेनी कहाँ है, तो गाइडेंस आप बेटा मेरे से ले सकते हो कहां पर, स्पेशल क्लास में, और स्पेशल क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप वहां से वहां पर भी फॉलो कर लो, और वहां पर जो भी क्लासेस होती है @9 PM पर अपन पूरी क्लासेस कर रहे होते हैं, सो मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन करें और फ्री में जितने भी बेस्ट हम लोग कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो आप करें। बिल्कुल MKG मेड इजी किया है, आशीष सर ने भी किया है, एंड इट्स गुड फॉर अस एंड यू ऑल्सो, ठीक है। आपके पास प्लस, दैट इज प्लस जो भी ऑप्शन है बेटा, प्लस आप अगर खरीदना चाहते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपके पास इतने अवेलेबल हैं मंथ के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ। जस्ट यू हैव टू डू कि आपको कोड यूज कर लेना है Kunal P10, ठीक है। कोड आप जब ये यूज कर लेंगे Kunal P10, ठीक है, मैं एक बार यहां पर लिख दे रहा हूँ Kunal P10, आपको जो भी चीजें मिली होंगी अब बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएंगी, जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा। आइकॉनिक के लिए दैट इज पर्सनल गाइडेंस भी अगर चाहिए तो आपको फिर से यूज करना पड़ेगा Kunal P10, और जितने भी मंथ का आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं स्विच करना चाहूंगा आपको कहां पर, बिल्कुल एलन छोड़ दिया उन्होंने बेटा, बिल्कुल एलन छोड़ दिया। चलो मेंटी कोड की बात कर लिया जाए। आई थिंक सारे लोग अब चाहते होंगे भैया ICSE का साइंस क्यों नहीं पढ़ाते हो। कृष्णा रिजवानी, ICSE का यार थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं। लाइक मैं तो कोशिश करता हूं कि आपके हर एक टॉपिक्स करा दूं, है ना। मैं क्या कोशिश करता हूं, आपके हर एक टॉपिक्स करा दूं, ICSE हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, ICSE हो या फिर CBSE हो, ठीक है, कुछ भी हो, मैं सोचता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करूं। तो मेक श्योर एक बार स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन करके देखो कि स्पेशल क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वहां पर एक बार ज्वाइन करो, जो भी चीजें होंगी मैं मैक्सिमम ही आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपनी कोड पर। चलो आई थिंक अब आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी, एंड कोड इज 81550909, 81550909। आई थिंक अब आप लोगों को कोड पता चल गया होगा, कोड पता चल गया क्या, 81, ठीक है, 81550909। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए है, बिल्कुल यूपी बोर्ड के भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं बेटा आप लगाना इसको, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस, आप बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, कितने के लिए आप एलिजिबल, ठीक है, कितना आपसे हो पाएगा।
भैया 2 मिनट रुको, मैं तो रुका हूँ, एकदम रुका हूँ, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से आ जाओ, ठीक है? और ऐसा कुछ कहना ना पड़े यार कि आप लोग बीच बीच में सपोर्ट करो सेशन को, ये कुछ कहना ना पड़े, ठीक है? क्योंकि आप लोग आई थिंक अच्छे तरीके से करेंगे भी, ठीक है? चलिए, ओनली 5 क्वेश्चंस या ओनली 5 क्वेश्चंस, लेकिन जो भी 5 क्वेश्चंस है मैं गारंटी देता हूं कि आप उसमें फंसने वाले हो। आई एम वॉल्केनो। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो भी 5 क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चंस आपके 10 से 15 क्वेश्चंस के बराबर होने वाले हैं। इट्स माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? कि जितने भी आप 5 क्वेश्चन करोगे दोस्त, वो 5 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हो ही जाएंगे, है मतलब करने लायक है क्वेश्चंस, और सेशन भी उसी तरीके का आपको रखना है। टाइम लिमिट कर दो। टाइम लिमिट तो है बेटा, टाइम लिमिट है। हाँ, टाइम तो ज्यादा ही दूंगा, टाइम तो ज्यादा ही, 1-1 मिनट का हर क्वेश्चन में आपको टाइम मिलने वाला है। टेक माई नेम अनमोल राय। ओके अनमोल, ओके, चलो टाइम ज्यादा देना। हाँ भाई, टाइम ज्यादा ही मिलेगा, क्यों परेशान हो, टाइम तो ज्यादा ही मिलेगा। चलो रेडी हो सभी लोग, एक बार चैट बॉक्स में दिखा दो हम ये रेडी है, उसके बाद फिर शुरू करते हैं इस प्यारे सेशन को, मेंटी सेशन, ठीक है? एक बार भाई चैट बॉक्स में दिख जाए कि हाँ हम लोग भैया रेडी हैं, जस्ट स्टार्ट, देन आई विल स्टार्ट। आर यू रेडी गाइज? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, रेडी है भाई। तो कंप्यूटर वहां से पहली क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर ये काउंट होना शुरू हो चुका है। पहला क्वेश्चन, सेम फोर्स एक्टेड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ मास 3 एंड 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम वेलोसिटी बाय बोथ। ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करता हूं हर बारी, और आज भी बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है? बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, बट आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे आगे मिलेंगे, थोड़े से आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मेरी गारंटी है। अच्छा ठीक है कृष्णा रिजवानी, आप स्पेशल क्लास पर मिलो बेटा, ठीक है? मैंने बोला हुआ है स्पेशल क्लास के लिए अलग से फीचर, कि आप लोगों की जो डिमांड रहेगी, ठीक है, आप लोगों की जो डिमांड रहेगी मैं उसको पूरा करूंगा वहां पर। तो जो डिमांड हो बेटा आइए वहां पर बताइए कि भैया इट्स माई डिमांड, ये काम कर दो, ये पूरा कर दो, ये बता दो, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा? चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, है ना? अब यहां से अब काफी बच्चे बोलेंगे भैया मिस क्लिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब बताओ तुम लोग बताओ मैं क्या करूं। कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट कृष्णा रिजवानी। आप बेटा कल मुझसे स्पेशल क्लास पर मिल लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर अपन खुल के बात करेंगे, आपको किस तरीके से क्लासेस चाहिए, कौन कौन से मेन टॉपिक्स चाहिए, ठीक है? वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुए चलूंगा, ठीक है? मैं भी देखता हूँ 3/5 होगा या फिर क्या होगा, मैं भी देखता हूँ, अभी मुझे पता नहीं, मैंने जो आंसर बुक से पाया, ठीक है, दैट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब अगर गलत होगा तो दैट वाज माय फॉल्ट, ठीक है? अब देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आई थिंक यही क्वेश्चन था क्या, यही क्वेश्चन था क्या, सेम फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg, 3 एंड 5 kg आपको मास दिख रहा है, ठीक है? ओहो कट रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो अब आई थिंक दिख रहा होगा, सेम फोर्स एक्टेड ऑन टू डिफरेंट बॉडी, तो मैं बोलता हूं कि 3 kg का बॉडी जो था उस पर भी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, और 5 kg का जो बॉडी था उस पर भी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, ठीक है? तो रेशियो ऑफ टाइम बोला गया है, रेशियो ऑफ टाइम, तो मैं बोलूंगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस का 0 अपॉन का टाइम, ये हो गया T1 पहले के लिए, A1 पहले के लिए, A2 V2 अपॉन का T2, ये लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि T1 अपॉन का T2 ही तो मेरे को भाई चाहिए, बोलो T1 अपॉन T2 चाहिए, तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, V अपॉन का A1 कर लेंगे अपॉन V अपॉन का A2 कर लेंगे। बोलो क्या इतनी बात सही है या गलत है, क्या इतनी बात सही या गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? आई थिंक इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि भाई एक्सेलरेशन A1 के केस में क्या होगा, तो F अपॉन का 3 होगा, और A2 के केस में क्या होगा, तो F अपॉन का 5 होगा। क्यों? क्योंकि F net is equal to mass into acceleration, everyone knows it, है ना? तो यहां से सिंपली देख लो क्या हो जाएगा,
T1 अपॉन का T2 जो आ रहा है मेरे भाई वो क्या रहा, V, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी एक्वायर कर रही और दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है। दो चीजें यहां पर आपसे बोली गई है तो दोनों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो यहां से V अपॉन का 3 कर लेंगे और V अपॉन का 5 कर लेंगे, तो ये V भी कैंसिल आउट, 3 तो आ गया डिनोमिनेटर में और ये कहां गया न्यूमरेटर में। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 5/3। बोलो क्या सही है, मेरा नेट गया इसलिए मैं वोट नहीं कर पाया। अच्छा अगमपाल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ट्राई करें। बोलो क्या सबको क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? देख लो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ दो बच्चों ने सही जवाब दिया था, बाकी पूरे बच्चे गलत थे बेटा। ठीक है, अब आप देखो कि कितने में मैं जो भी क्वेश्चन पिक करता हूं मुझे पता है कि आप इसमें फंसोगे। ठीक है, मजा आया। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी ऑन इट। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। हाँ, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन विल बी दिस मास अपॉन, वो भी आई थिंक 5/3 ही आना है, जो टाइम का वही रेशियो का एक्सेलरेशन का भी आना है आई थिंक। चलो देख लेंगे बाद में, चलो लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं भाई, लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया, किसने सबसे पहले जवाब दिया है? मृदुल कृष्णा, प्रियांशु, लक्ष्य, वाह, दो ही लोगों ने सही जवाब दिया और अपना प्यारा मृदुल कृष्णा, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक बार मेंटी कोड में अगेन बता दे रहा हूं सारे बच्चों को, 8155090908155 09 09, ये मेंटी कोड, प्लीज फिल इट, है ना, आप जाइए menti.com पर और कोड यहां पर फिल करिए और सिंपली ज्वाइन करिए इसको। ठीक है, चला जाए आगे, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार चैट बॉक्स में दिख जाए मुझे, हाँ भैया स्टार्ट, चैट बॉक्स में दिख जाए बेटा, यस भैया स्टार्ट, देन आई विल स्टार्ट। चैट बॉक्स में बेटा दिखना चाहिए मुझे, अदरवाइज आई विल नॉट स्टार्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया, गुड, स्टार्ट करता हूं मैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम खेलो, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगाओ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शोन इन फिगर इज, देख लो जितना तुम लोग जिस क्वेश्चन की डिमांड करते हो वही क्वेश्चन मैं यहां पर लेके भी आया हूं, तो वो क्वेश्चन आई थिंक अब तुमसे होना भी चाहिए। करो 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 फटाफट करो करो, जवाब दो भाई, सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट सोन इन फिगर इज, मेरे में पिक्चर नहीं आई, आप ही में नहीं आई कि बाकी सब में भी नहीं आई? सब में आ रही है ना, आ ही रही है भाई, लगभग सारे बच्चों में आ रही है, बहुत बढ़िया। अरे यार इसमें टाइम की जरूरत नहीं है बेटा, बताओ मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी देखो तुम देखोगे तुम्हें अभी दिख जाएगा, अभी तुम देखोगे तुम्हें फिगर दिख जाएगा कि क्या था क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन में। अब आओ, चलो आ जाओ सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, सॉरी, आ जाओ क्वेश्चन पर आओ। देखो ये बोला गया था, एक सेकेंड में हटा ही देता हूं वो, ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूं भाई, चल हटा ही दिया मैंने। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी, आपको पॉइंट पी एंड क्यू के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इस पॉइंट के बीच का और इस पॉइंट के बीच का। ध्यान से देखो, मैं स्प्लिट स्क्रीन में कर रहा हूं तो आपके मैं देख लिया था, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर इज, ध्यान से देखो मैं बोलता हूं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट है। अगर आप इतने वाले को अभी क्या करें भाई, इतने वाले को अभी आप भूल जाएं, इतने वाले को अगर आप भूल जाएं तो ऊपर वाला कुछ दिख रहा है क्या, ऊपर वाला कुछ दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, मैं बोलता हूं कि इस वाले पार्ट को भूल जाओ, इस वाले पार्ट को अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात करो, तो कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने सही जवाब दिया भैया कि व्हीट स्टोन दिख रहा है हमें,
व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, मतलब इन भाई साहब का कोई मतलब नहीं है। और सेम रेशियो आपका नीचे भी आएगा कि इन भाई साहब का भी कोई मतलब नहीं है, इनका भी। तो जस्ट आपका जो पी बनेगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के आएगा, एक यहां और एक यहां पर, एक यहां पर, ठीक है, और एक यहां पर, एक यहां पर, बस इस तरीके से आप जोड़ लेंगे। ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट P है, लेकिन ये क्या है बेटा, 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये R है और स्मॉल R है। तो ध्यान से देखेंगे, 2R 2R मिलके क्या हो जाएगा, 4R, फिर 2R 2R मिलके 4R, और 4R 4R मिलके 2R, और ये दोनों 2R। तो P और Q के बीच में सिर्फ दो रजिस्टर्स बचेंगे, कौन कौन से, एक तो 2R बचेगा, एक तो 2R कैपिटल का बचेगा। ये Q हो गया, आई थिंक ये P हो गया। अब देख लो क्या बचेगा, P Q के बीच में जो R इक्विवेलेंस होगा वो क्या होगा बेटा, बोलो, 2R इंटू 2R अपॉन का 2R प्लस का 2R, यही होगा ना। तो टू टू एक एक टू के कैंसिल कर दो, तो दैट इज 2 कैपिटल R स्मॉल R अपॉन का R प्लस का R, क्या यही बचेगा, है ना। R इक्विवेलेंस की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2R स्मॉल R अपॉन का R प्लस का R, यही आई, बोलो यही आई क्या, हाँ या ना बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये बात सबको। चलो लीडर बोर्ड की तरफ आते हैं बेटा, लीडर बोर्ड की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तुम सोचो कि एक मिनट भी मैंने दिया तो दैट वाज द वेरी ग्रेटर टाइम, वो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था मैं आपको, एक मिनट की भी जरूरत नहीं थी वहां पर, ठीक है। अगेन कौशल जी ने सबसे सही जवाब और सबसे फास्टेस्ट जवाब दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मेंटेन, है ना, इसको बस बना के रखो, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। एक बार अगेन मैं बता दे रहा हूँ, मेंटी कोड बेटा 8155-0909, ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड है, 8155-0909। थोड़ा टाइम दिया करो भैया, हड़बड़ी में सोच नहीं पाते। देखो आपको एक ही मिनट क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेगा, 1 मिनट, और 1 मिनट ही यहां पर, 1 मिनट को सफिशियंट टाइम दिया है मैंने बेटा, 1 मिनट में क्या होने वाला बताओ, 1 मिनट तो सफिशियंट टाइम है आपके पास, करो, 1 मिनट का टाइम मैंने इसलिए दिया, 1 मिनट से ज्यादा इसमें क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं आपको। करो आराम से करो। द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विथ स्विच एस ओपन एंड क्लोज रेस्पेक्टिवली आर, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आर, दो तरीके के रेजिस्टेंस है आपके पास, बहुत ही बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई चलिए, 3 2 1, टाइम सब, बहुत बढ़िया। बाकी अब देखो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, अब तुम रेशियो देख लो मेरा। भैया मेरे में पिक्चर ही नहीं आ रहा, MKG अब देखो नहीं आ रहा तो यार क्या करूं मैं, एक काम करो आप YT और उसपे स्विच करके देख लो, हो सकता है कुछ इशू हो, ठीक है, मे भी कुछ इश्यू हो बेटा, सॉरी फॉर दैट, है ना, मेरी तरफ से करो तो फॉर सॉरी, है ना। चलो आओ उसी क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बताना है आपको और पॉइंट बी बताना है आपको, ठीक है। स्विच एस इज ओपन, पहला केस में आप बोल रहे हैं ओपन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है बेटा, यहां पर ओपन है, मतलब पहले केस के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भैया अभी ज्वाइन किया, कितने हो रहे हैं, आई थिंक तीसरा चल रहा है, दो क्वेश्चन और है जाए, ठीक है, हाँ दो हो गए, तीन हो गए बेसिकली, है ना, वीट स्टोन वाला एक हुआ था, एक ये हुआ, बोलो, ठीक है, बोलो। इतनी बात क्लियर है कि 8वें की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो यहां पर पहली जो सर्किट बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, देख लो ध्यान से,
देख लो ये ऐसा बनेगा, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, बोलो यही बनेगा। हाँ कोई बात नहीं, ये मान लो 6 होगा, ये 12 होगा, और ये 12 होगा, ये 6 होगा, यही बनेगा क्या, बोलो यही बनेगा या नहीं करेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलना, यही बनेगा गाइज, एक बार बताओ चैट बॉक्स में, यही बनाएगा ना, यही बनेगा। जब 8 की कोई वैल्यू नहीं, दैट इज ये ओपन है, तब ये बनेगा, देख लो ध्यान से, यही बनेगा ना। दो पैरेलल, पहले ये वाले और ये वाले पैरेलल में, क्योंकि ये वायर, ये दोनों पॉइंट देखोगे ध्यान से, यहां पर जुड़ा नहीं है, ये क्या है, ऊपर से गया है, ठीक है, ऊपर से गया है और यहां पर जाके जुड़ा है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, जिसको मैंने यहां पर रख दिया है। अगर मैं बोलूं कि इसको क्या है भाई, सी है और ये डी है, तो ये पोटेंशियल, ये टर्मिनल क्या है, सी कॉमा डी, ठीक है। तो 6 और 12 क्या आएगा, 4 आएगा, और 6 और 12 4 आएगा, दोनों का सम क्या आ जाएगा, दोनों फिर सम कर देंगे, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 विल बी द ऑप्शन, है ना, 8, 8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन जब सर्किट ओपन है। और जैसे ही सर्किट आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा यहां पर चीज आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो कि आपने क्या बोला कि ए वाले पॉइंट से 8 रजिस्टर्स को ले जाके डायरेक्ट कहां ज्वाइन कर देना है, बी वाले पर। तो ए वाले से मैं एक डायरेक्ट उठा के कहां ज्वाइन कर दे रहा हूं, बी वाले पर, बस ये आ गया आपका 8। हाँ बहुत ही बढ़िया, 8, 8 ओम। तो एक, इसीलिए तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं तुम्हें, है ना, इसीलिए दे रहा हूं कि तुम जब मेंटल प्रेशर झेलो कि तुम्हारी जल्दीबाजी में भी तुमसे गलती ना हो, समझे कि नहीं। देखो मैंने क्या किया है भाई, यहां पर 8, ए वाले पॉइंट से 8 का एक टर्मिनल उठाया है और डायरेक्ट ले जाके बी पर जोड़ा है, ध्यान से देखो, 2 मिनट दे दूं मैं। अच्छा जी सही खेल गए गुरु, चलो यहां पर हुआ बस। अब इसमें भाई 8 ये है, इन दो, इनका पूरे का कॉम्बिनेशन कितना आया था, 8 आया था, तो एक 8 और पैरेलल में ला दोगे तो 8/2 आपका क्या आ जाएगा, नेट इक्विवेलेंस दूसरे केस में बराबर 4 आ जाएगा। तो बी विल बी द आई थिंक करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल एमके जी, 5 ही क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल, और जानबूझ के मैंने 5 ही चूज किया है। चलो लीडर बोर्ड की तरफ आओ, बहुत बढ़िया, 8 ने सबसे फास्टेस्ट जवाब दिया है बेटा, 8 कौन है भाई, 8, 8 कौन है, 8 नाम से कौन खेल रहा है, अपने नाम से खेलो, अपने नाम से खेलो। चलो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस बेटा, 8 जो भी हो सर, टॉप 10 का नाम ले लीजिए। अच्छा टॉप 10 का नाम ले लो, कौशल 8, मृदुल कृष्णा, लक्ष्य, प्रियांशु, यथार्थ, एनएसएन, विशाल, रितिशा, होलाहॉप, होलाहॉप, ठीक है, ग्रेट, 8 इज ऑन 2। 8 इज ऑन 2 बट 8 स्टिल। एक बार फिर से मैं मेंटी कोड रिपीट कर दूं, 8155909, ठीक है। चलो आओ चौथे क्वेश्चन पर आओ, चौथे क्वेश्चन पर आओ सब, ठीक है। चलो टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड इन टर्न इन फ्रंट ऑफ दिस, एक कॉनकेव मिरर है, आई थिंक टाइम मैं बढ़ा सकता हूं क्या, नहीं बढ़ा सकता बेटा मैं, कि बढ़ा दूं, बोलो चलो 5वें क्वेश्चन में मैं टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है, 5वें क्वेश्चन में समय ज्यादा दे दूंगा, 5वें क्वेश्चन में, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड इन टर्न इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर गिव्स इक्वल इमेज ऑफ इक्वल साइज इफ ए इज थ्राइस टाइम्स ऑफ बी एंड इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द बी फ्रॉम मिरर इज, आई डोंट नो क्या होगा, बट आप लोग को पता है क्या होगा। सर मैंने अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट दिया, बस अभी रिजल्ट आना बाकी है। ओके ग्रेट प्रितेश, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेहनत आप कर रहे हो बेटा, और ऐसे बस आप मेहनत तो आप लोग करते रहो, ठीक है। सर सी में मिस क्लिक हो गया, बहुत बढ़िया, मेजोरिटी इज राइट, ठीक है, मेजोरिटी क्या है बेटा, राइट है, ठीक है। एक बार लीडर बोर्ड भी देख ही लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया,
फास्टेस्ट है अपने कौशल अगेन, ठीक है, मृदुल कृष्णा, लक्ष्य एट, प्रियांशु यथार्थ, एनएसएन, विशाल, रितिशा, तनिस, वेरी ग्रेट। चलो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ए एंड बी व्हेन प्लेस एंड टर्न इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कॉनकेव मिरर के सामने आप यहां पर रख रहे हो इनको। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा आपने, ये क्या है भाई, ए है, और ये क्या है भाई, बी है, ठीक है, बी है। थोड़ा दिखने में नहीं लग रहा है कि थ्राइस है, बस आप एज्यूम कर लो छोटा है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गिव्स द इमेज ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, इक्वल साइज का इमेज, दैट इज जो भी इमेज मिल रही है। हाइट ऑफ दैट इज ए, मैं लिखता हूं इमेज को आई ए, ठीक है, आई ए इज इक्वल टू आई बी यहां पर आपको गिवन है। पहली जो कंडीशन गिवन है क्या, कि जो इमेज ऑफ ए है वही किसके बराबर है, इमेज ऑफ बी के। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना, आपने शायद एक जगह मिस्टेक किया है वैलिडेटिंग, अच्छा देख लूंगा मैं, ठीक है। इफ ए इज थ्राइस टाइम्स द साइज ऑफ बी, ठीक है, और बोला गया है दैट इज जो ऑब्जेक्ट की ए की हाइट है, ऑब्जेक्ट ए की हाइट है वो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी है। बोलो दो बातें की मैंने, दोनों बातें हमने नोट कर ली। इसके बाद क्या गिवेन है भाई, एंड ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी एंड इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, और ये कहाँ प्लेस्ड है, यहां से 30 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, देख लो ध्यान से, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो करना क्या है, हमें हमें करना क्या है, सिंपली ध्यान से देख लो, अगर कुछ करना हो तो, अगर हमें ना समझ में आए दैट इज उसकी बात नहीं करते। पहली बात गिवेन है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ए गिवेन है, दैट इज 3 इंटू OB गिवेन है, तो मैं अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं तो मुझे पता है दैट इज आई ए अपॉन का ओ ए होगा मैग्निफिकेशन, बोलो, और यही क्या होगा, माइनस का वी अपॉन का यू होगा। तो ए के लिए तो मुझे यू पता है, एफ पता है, तो क्या मैं वी निकाल लूंगा क्या, बोलो, क्या मैं वी निकाल लूंगा क्या, बोलो जी, बोलो निकाल लूंगा क्या। 1/f इज इक्वल टू, लगा लो सिंपल सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस वन माइनस प्लस प्लस 1/u। यहां से जब आप ये लगाएंगे दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, आप ये लगाएंगे जब, ठीक है, तो सिंपली यहां से आएगा क्या, सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 10 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव की, ठीक है, तो हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही मैं ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर आई थिंक आनी चाहिए। कैलकुलेट करके बताओ क्या सही है या रॉन्ग है, जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी, है ना, कैलकुलेट करो सारे बच्चे और बताओ क्या सही है या रॉन्ग है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो सही है या गलत है बेटा, बताइए सही है या रॉन्ग है, कैलकुलेट इट नाउ। आपके पास यू की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, जस्ट दोनों को साइन कन्वेंशन, एफ रखो -7.5 और ये रखो -30, ठीक है, माइनस माइनस मैं कर ही देता हूं, ठीक है, मैं कर ही देता हूं, मैं कर ही देता हूं भाई, 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस का 10/75, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 75 माइनस का 300 अपॉन का 75 गुणे का 330, ठीक है। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी, यहां पर मैं डायरेक्ट v की वैल्यू लिखता हूं, अब v की वैल्यू जो आएगी वो 75 गुणे 30 बटा कितना आ जाएगा, 225, 225, 15 5 75 और 15 15, ठीक है, 5 5 15, तो ये आ गया 10, आ गया 10। सर चाय पी लो भाई, दे दो यार चाय, ठीक है, चलो। तो वी इज 10 सेंटीमीटर, आ गया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, बोलो, आ गया वी इज 10 सेंटीमीटर, आई थिंक कैलकुलेट हो गया होगा, वी इज 10 सेंटीमीटर। किसको किसको नहीं समझ में आया, डायरेक्ट मैंने एलसीएम लिया और डायरेक्ट किया, तो वी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी आई ए अपॉन का ओ ए, ये कितनी आएगी बताइए, वी की वैल्यू कितनी है 10 है और यू की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आएगी 1/3, 1/3। अब यहां से आई ए की बात करूं मैं, तो आई ए कितना आएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ ओ ए,
और ओ ए को मैं यहां से रिप्लेस करता हूं 1/3 टाइम्स ऑफ ओ बी, और यहां से ये कट गया, तो क्या आया आई ए बराबर ओ बी बराबर आई बी, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन भी यही पढ़ के आई थी, हमने पहली इक्वेशन भी यही पढ़ी थी। या ठीक है, आई ए बराबर आई बी पढ़ा था, तो आई ए की वैल्यू आई ओ बी के बराबर, तो ओ बी की वैल्यू क्या आई बी के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। एलिजाबेथ पैनिकर, नाम बदल के आए हो यार आप, अगर मैं नहीं पहचान रहा हूं इट मीन्स नाम आप बदल के आए हो, तो वो मेरी गलती नहीं है। फिर देख लो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर हो तो मतलब इमेज कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो जी, बोलो जी। अगर किसी इमेज की हाइट उसके ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर आ जाए, व्हाट इट मींस कि इमेज कहां रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो वी होगा, सॉरी हाँ वी होगा, वो क्या होगा, वी हो या फिर यू हो, जो भी होगा। अच्छा जॉर्ज, वी बराबर यू इज इक्वल टू आर होगा, और आर की वैल्यू क्या होती है, 2f होती है, तो यहां से 2 × 7.5 कर दो और बराबर कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ग्रेट सुशांत कुमार, फिजिक्स मी टू है ना, मी टू। चलो तो 15 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किसको किसको ये बात क्लियर है, किसको किसको बात ये क्लियर है बेटा बताओ। क्लियर है क्या, बोलो जी। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार मैं फिर से मेंटी कोड रिपीट कर दे रहा हूं, जितने लोग ज्वाइन होना चाहते हो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, 8155090909, 8155090909, दिस इज द मेंटी कोड, ठीक है, ये अपना मेंटी कोड है, फटाफट ज्वाइन कर लो। मैं नहीं भाई, किसी को ब्लॉक नहीं करते, ठीक है, किसी को ब्लॉक नहीं करते, सारे लोग पढ़ने आओ, सारे लोग पढ़ाई करो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन अटेम्प्ट। अ क्यूबिकल वुड ऑफ एज 0.2 मीटर वेइंग 6.4 kg फ्लोट्स ऑन अ वाटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ इमर्शन, कितना डेप्थ आपकी बॉडी डिप्ड है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करिए, करिए भाई फटाफट करिए। अच्छा मैं बहुत अच्छा दिख रहा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलो चलो सर, ठीक है, चलो ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कुछ भी लगा लो। हाँ बायंसी वाला सवाल, ठीक है भाई, छोटू की तरह दिखू या मोटू की तरह दिखू, दिख तो रहा हूं, क्वेश्चन करो तुम। डेप्थ ऑफ इमर्शन मतलब कितना बॉडी आपकी इमर्स्ड है, कितने हाइट तक वो इमर्स्ड है, फ्लूड की लगी पड़ी है। अच्छा चलो लीडर बोर्ड की तरफ आ जाओ, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कहानी करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आयुष जेएनपी, बहुत बढ़िया। बट कौशल जी अपने विनर है, ठीक है, बहुत बढ़िया कौशल, ग्रेट बेटा, ठीक है ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा सारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी समझा के जाऊंगा, ठीक है कौशल कंग्रेचुलेशंस। एक बार सेकंड विनर है मृदुल कृष्णा लक्ष, ठीक है, इसके बाद आई थिंक यथार्थ है, ठीक है, और यश आई थिंक, हाँ यश, यश है कोई, और शौरन एक, यश प्रियांशु यथार्थ एनएसएम, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो ये पानी है, ठीक है, मान लो ये पानी है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखो, जब भी आपको ऐसा बोले बस आप सिंपली बना लो, ठीक है। फिर इसके बाद कोई क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरीके से,
एक क्यूबिकल ब्लॉक है बना लो। अब इसमें बोला क्या गया भाई कि आपको डेप्थ ऑफ इमर्स निकालना है, तो क्या इतना हाइट ही अंदर है क्या? ध्यान से देखो, यही हाइट अंदर है क्या और यही हाइट हमें निकालना है? ध्यान से देखो, सर पे टॉप का नाम ले लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, एच हाइट ही निकालना है क्या, एच की ही वैल्यू निकालनी है क्या? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो यू हैव टू फाइंड एरिया, जो ये वाला नीचे वाला बॉटम वाला एरिया, लाइक अगर मैं अपने फोन की ही बात करूं, तो इस तरीके से अगर मैं पकड़ा हूं, तो ये नीचे जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरी स्क्रीन जो दिख रही है, ये स्क्रीन क्या बेटा, ये पूरा का पूरा बॉटम है, इसका एरिया। अब वॉल्यूम अगर किसी चीज का लेना है, तो एरिया इंटू हाइट करते हैं, तो हाइट कितना, मैं बोलता हूं कि इतना डिप्ड है, और जब भी आप बायंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, बायंस फोर्स लगाते हैं, तो एरिया इंटू हाइट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, एरिया ए है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपका एज मान लो ए है, ठीक है, एज मैंने मान लिया कि ए है, तो एरिया ए स्क्वायर होगी। बोलिए यही होगा, अरे ठीक है भाई, यही होगा है ना। तो ध्यान से देखो, अ क्यूबिकल ब्लॉक वेइंग फ्लोट्स ऑन वाटर, जब भी फ्लोट्स ऑन वाटर होगा, तो जो बायंसी फोर्स होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है। बोलो हाँ या ना। फ्लोटिंग का केस है, तो बायंसी फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। फ्लोट तो तभी होगा जब दोनों का बैलेंस हो जाएगा, जो वाटर फोर्स लगा रहा है और जो वो फोर्स लगा रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो फ्लोट होगा। देखो ये क्या करेगा भाई, ये वाटर के ऊपर mg फोर्स लगाएगा, और वाटर क्या करेगा, ले भाई तुम भी लगा रहे हो तो मैं भी लगाता हूं, है ना, तो ये लगा दिया, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तब वो स्टिल हो जाएगा एक जगह। तो मैंने बोला ये बराबर हो गए। अब बायंसी फोर्स क्या होता है, तो रो ऑफ w इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, उतना ही ब्लॉक जितना डिप्ड है, इनटू g बराबर m इनटू का g। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जी जी कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या निकालना था हमें, दैट इज रो डब्ल्यू। अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो एरिया तो हमें पता है नो डाउट, और यही एच हम लेंगे जब भी हम वॉल्यूम लेंगे, कि भाई जितना डिप्ड वॉल्यूम है ये वाला, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम हमारे फॉर्मूले में काम आता है, तो हम उतना ही वॉल्यूम लेने की कोशिश करेंगे और उतने ही वॉल्यूम से काम चलाएंगे, तो वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू हाइट, तो ये क्या होगा, एरिया इंटू का हाइट बराबर m। और आई थिंक सारी बातें अब आपको गिवन है, ठीक है, चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। हाँ, ये आपको जो गिवन था, दैट इज वेइंग 6 पॉइंट, वेट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, mg बराबर कितना था, 6.4g mg बराबर, तो मास की वैल्यू कितनी आएगी, 6.4 आई थिंक आ जाएगी, है ना, मास की वैल्यू आई थिंक 6.4 आ जाएगी। तो यहां से h की वैल्यू क्या होगी, 6.4 अपॉन रो डब्ल्यू कितना है, 1000 इंटू, ठीक है अगली बार ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है 1000, और एरिया कितना आएगा, तो 0.02, दैट इज 0.04 आई थिंक आ जाएगा, है ना, यही आएगा, बोलो यही आएगा ना। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10^-2 ऊपर 2 जाएगा, तो ये 640 हो जाएगा, 640 और नीचे 4, तो कितना बचेगा, 4 × 4 सॉरी हाँ, और 6×6=24, 160 बचेगा ऊपर, 160/1000 बराबर 0.16 मीटर h विल बी द हाइट। फ्लूड में देखो बेटा कुछ है नहीं, ठीक है, फ्लूड में जनरली मैं अगर आपसे बोलूं तो फ्लूड में कुछ नहीं है। बार बार जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, बस यही वाला पूछा जाता है, आपके लेवल पर तो यही पूछा जाता है कि कितना ब्लॉक इनसाइड है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब विदाई लिया जाए क्या, अब विदाई मेंटी और करना होगा तो किसी दिन और कर लेंगे, ठीक है, छोटा सा सेशन मैंने लिखा था जस्ट आपको एक देने के लिए, कि भाई आपको पता चले कि आप कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है किसी, हाँ इतना ही सेशन है, और अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जल्दी, ठीक है, और अगर सेशन होंगे तो। बाकी जितने भी बच्चे अभी हैं मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं मुझे, ठीक है, आप सभी लोग स्पेशल क्लास में जरूर ज्वाइन हुआ करो, ठीक है, स्पेशल क्लास आपको लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से स्पेशल क्लास पर ज्वाइन हो, और जो भी आपको जैसे टॉपिक, मान लो कोई भी एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक,
बिल्कुल बना सकते हो बेटा आप, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट वहां पर आके आस्क करो, ठीक है, या फिर डिमांड करो कि भैया ये वाले टॉपिक्स मुझे बता दीजिए, ये वाले टॉपिक्स मेरे को नहीं आते, तो एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ना, मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और जिस तरीके से आप चाहेंगे, ठीक है। और देखो उसमें आपको बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस आप लगा पाओगे, दैट विल बी पेड, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इट विल चार्ज, बट फॉर फ्यू क्वेश्चंस इट विल नॉट चार्ज, लाइक 2 to 3 questions इट विल नॉट चार्ज। ओके, तो आई थिंक मजा आया होगा आज के सेशन में, जितने भी बच्चों को मजा आया होगा। तो जाते जाते यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी हम लाइव आए या फिर कुछ भी चाहे तो आपको मिल जाए। बाकी पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा, जो भी चाहिए पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। सो मेक श्योर इसका फायदा उठाइए आप, और बढ़िया तरीके से जब भी मैं सेशन लूँ तो उसको सपोर्ट जरूर किया करो, ठीक है। और स्पेशल क्लास में अगर कोई डाउट रह जाएगा तो स्पेशल क्लास में मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय बेटा, मिलते हैं अगले सेशन में।